अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस शेयर को एनालाइज़ करने जा रहा हूँ, जिसकी फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा, वो शेयर है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान NBP, विच इज़ फॉल्स अंडर बैंकिंग सेक्टर, कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर का पार्ट है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है एज अ कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर। और इसकी इस वक्त जो करंट प्राइस चल रही है, इट इज़ 35.21 रुपीज़। काफ़ी नीचे आया हुआ है ये शेयर अपने प्राइस के मामले में, और अगर पिछले एक साल की इसके प्राइस रेंज को देखा जाए तो 30 रुपये से लेके 43 रुपीस तक ये शेयर की प्राइस गई है, विच इज़ अगर देखा जाए पिछले एक साल में कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया इस शेयर ने। हालांकि इस शेयर में बहुत पोटेंशियल है। अगर 2016 की मैं बात करूँ, आज से 5 साल 6 साल पहले ये शेयर 50 रुपये से ऊपर पर ट्रेड कर रहा था, इवन 78 रुपीज़। इनफैक्ट दिस शेयर क्रॉस 80 रुपीज़ एज वेल, 84 तक आई थिंक इसने हाई बनाया था। उसके बाद फिर इस शेयर के प्राइस नीचे आना शुरू, और काफ़ी नीचे आ गए, जिसमें इसके कुछ केसेस थे प्रोविडेंट फंड के हवाले से, जिसके बाद से शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे आ गई थी। सो ओवरऑल व्हाट आई सी इस ये शेयर काफ़ी नीचे आया हुआ है और बहुत अच्छे प्राइस पर है। इसको परचेस इस वक्त किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस अगर मैं देखूँ। लेकिन आज हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे टू गेट एन आइडिया क्या वाकई में शेयर इस काबिल है कि इसको परचेज़ किया जाए इस वक्त और नॉट। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके बीटा की। बीटा इस 1.16 इंडेक्स के मुकाबले में थोड़ा सा इसके जो अगर देखा जाए प्राइस जो है यानी कि इसकी प्राइस फ्लक्चुएशन एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स 100 इंडेक्स के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा है, बट स्टिल प्रीटी मच स्टेबल शेयर यू कैन से। मार्केट कैपिटलाइजेशन 74.91 बिलियन, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक मिड साइज़ और क्लोज टू मिड साइज़ शेयर है। मिड एंड मिड और लार्ज के बीच में आप कह सकते हैं, आई वुड कंसीडर इट अ मिड साइज़ बैंक। इनफैक्ट वैसे अगर देखा जाए बैंकिंग इंडस्ट्री में बड़े बैंक्स में काउंट होता है, नेशनल बैंक हो गया, HBL हो गया, MCB हो गया, दे आर जॉइंट बैंक्स। फ्री फ्लोट शेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो ओनली 23.85% ऑफ द टोटल शेयर इज़ फ्लोटेड इन मार्केट। फ्री फ्लोट्स के मुराद ये है कि कितने शेयर्स हैं टोटल शेयर्स में से, कितने शेयर्स हैं जो इस वक्त पब्लिक के हाथ में हैं, और बाकी जो शेयर्स हैं जो फ्री फ्लोट में नहीं आते वो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होते हैं। सो फ्री फ्लोट शेयर्स कम हैं, विच मीन्स के इसके प्राइस में फ्लक्चुएशन या मैनिपुलेशन करना आसान नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर शेयर्स शेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने हाथ में रखें। अब मैं इसकी एनालिसिस में क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है तो इसमें हमारे पास लिक्विडिटी रेशोस वगैरह नहीं होते, तो हम इसमें देखते हैं इसके डिविडेंड पे आउट कैसा है। इसने जो 2016 में डिविडेंड दिया था वो 7.50% का दिया था, लेकिन यहाँ से 6 साल पुरानी बात हो रही है, वी आर इन 2022। सो उसके हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी आई वुड से कि काफ़ी टाइम से 5 साल से इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं, वो लोग जो डिविडेंड लेना चाह रहे हैं उनके लिए इस वक्त ये बहुत अट्रैक्टिव शेयर नहीं है। कैश फ्लो पर शेयर की अगर मैं इसकी बात करूं, एज़ यू कैन सी हेयर, सो कैश फ्लो भी इसका बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। कैश फ्लो पर शेयर 96.66 और ये फिगर है अप टू 2021 थर्ड क्वार्टर, थोड़ी सी पुरानी फिगर है, बट कैश फ्लो पर शेयर इसका बहुत अच्छा है। तो इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए, लेकिन कंपनी जो है डिविडेंड इस वक्त नहीं दे रही है, बट एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में ये कंपनी बहुत अच्छे डिविडेंड्स अनाउंस करेगी। सो व्हाट आई सी ये 35 पे ये बहुत अच्छे प्राइस पर है इस वक्त। बुक वैल्यू की बात करूँ, कंपनी की बुक वैल्यू 136.31 रुपीज़ पर शेयर है, और एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू, इसकी बुक वैल्यू बढ़ने वाली है, दिस इज़ वेरी अट्रैक्टिव। इसका मतलब ये है कि इसकी जो एसेट्स हैं उनकी जो नेट वर्थ है वो बढ़ जाएगी, और ये जो बढ़ रही है उसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 11.10%, क्वाइट अट्रैक्टिव। और प्राइस टू बुक वैल्यू एज यू कैन सी ऑन द राइट साइड, प्राइस टू बुक वैल्यू ओवर द टाइम डिक्लाइन की तरफ है, बुक वैल्यू ओवर द टाइम इम्प्रूव हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस शेयर की जो प्राइस है काफ़ी नीचे आ चुकी है और इसकी बुक वैल्यू बढ़ रही है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेटर, जिसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये वो शेयर है जिसको ज़रूर लिया जाए। बहुत अच्छा शेयर है, बहुत पॉजिटिव शेयर है, इट्स अ मस्ट बाय शेयर। सो ओवरऑल मेरा कंक्लूजन यही है कि ये शेयर जो है इस पर रिस्क लिया जा सकता है,
ऑल दो डिविडेंड शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन कैपिटल गेन मुझे इसमें नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल इट्स अ प्रीटी डिसेंट शेयर, गुड शेयर टू कीप इन योर पोर्टफोलियो। इसकी अर्निंग पर शेयर भी आप दे सकते हैं कि 14.36 है, 35 रुपये का शेयर और 14 रुपये कंपनी सालाना अगर इस पर कमा रही है। सो इट्स अ गुड शेयर, प्राइस टू अर्निंग रेशो भी इसका काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, 2.45। सो ओवरऑल इट्स अ प्रीटी डिसेंट शेयर और मैं तमाम अपने व्यूवर्स को कहूँगा कि इस शेयर को ज़रूर ख़रीदें, स्पेशली वो लोग जो इस वक्त कैपिटल गेन की तलाश में हैं। दोज हु वांट टू हैव अ कैपिटल गेन, उनके लिए बहुत अच्छा है और हो सकता है इस साल के एंड में ये कंपनी जो है डिविडेंड भी अनाउंस करे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। उम्मीद करता हूं आप मेरे आने वाले वीडियोस को भी इसी तरह पसंद करेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।